दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो से आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, उसके बाद उसका सिंपल सा सोल्यूशन आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर फी कलेक्शन का रिकॉर्ड है, 6 महीनों की फीस दी गई है और 5 कैटेगरीज की फीस है, ठीक है, जिसमें कॉलेज फी है, ट्रांसपोर्ट फीस है, एग्जाम फी है, सेंडअप फी है और लाइब्रेरी फंड है, ठीक है। ये पांच कैटेगरीज की फीस 6 महीनों की दी गई है, ठीक है। यहां पर क्या करना है, किसी भी कैटेगरी का अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो यहां पर टोटल हमने क्या करना है, निकालना है। अब आप कहेंगे कि ये तो सम इफ फंक्शन इस्तेमाल करके, सम इफ फार्मूला इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताऊंगा, तो मैं आपको यहाँ पर सम इफ फार्मूले से भी सिंपल हल बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी कैटेगरी का टोटल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह टेबल में से, डाटा में से किसी भी कैटेगरी का टोटल किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ रेंज, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर कैटेगरी दी गई है इसके लेफ्ट वाले सिर्फ 2 करेक्टर उठाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट का फंक्शन यूज करता हूँ, लेफ्ट, ठीक है, और इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और 2 करेक्टर उठाने, तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ और ब्रैकेट लगाकर इंटरप्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है TF। अब हमने क्या करना है, TF का यानी ट्रांसपोर्ट फीस का इस टेबल में से टोटल निकालना है कि 6 महीनों में ट्रांसपोर्ट फीस कितनी है। ये तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल प्रेस करना है, सम लिखना है, उसके बाद इनडायरेक्ट का फंक्शन लगाना है, इनडायरेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट फंक्शन लगाने के बाद आपने सिर्फ इसको नेम ऑफ रेंज जो यहाँ पर मैंने निकाली है, जो 2 करेक्टर्स निकाले हैं, इसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी का टोटल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इस कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पर पहले से बना रखी है, जैसे ही मैं कोई यहाँ से कैटेगरी चेंज करूंगा तो ये टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।